चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के अंदर। उम्मीद सी लग नहीं रही थी जिस हिसाब से बीच बीच में पेपर गए हैं। आप में से तो काफ़ी बच्चों को मैं पहले से जानता हूँ, आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के अंदर। आज का ये सेशन के अंदर हम अकाउंट्स से शुरुआत करने जा रहे हैं और अकाउंट्स का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। बेसिक चैप्टर कहने का ही है, बट इसके अंदर थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाएगी कि अकाउंट्स में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें बता दें कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपको ये तो मालूम होगा सारी की सारी क्लासेस आपकी ऑफलाइन यानी कि फेस टू फेस मोड में ही होंगी और आप सभी यहाँ पे आके अटेंड भी कर रहे हैं। अगर बाय चांस कोई रीज़न आता है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी रीज़न है, तो आप में से जो जो 11th में पढ़ चुके हैं आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ऑनलाइन मोड में भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। बट उसके लिए अगेन आपके पेरेंट्स से मैसेज आना चाहिए या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि आप आज ऑनलाइन अटेंड करेंगे। इसके अलावा आपको ये सेशन सारे रिकॉर्ड करके भी मैं अवेलेबल करवा के दूंगा ऐप के ऊपर, जैसे लास्ट ईयर करे थे। इसका बहुत बेनिफिट हमने देखा, शायद आप सब ने इतना यूज़ नहीं किया, बट अभी जो बच्चे 12th के अंदर बोर्ड्स दे रहे हैं उनको अभी तक बेनिफिट हो रहा है कि कोई लेक्चर आप भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसका स्टार्टिंग से लेक्चर अवेलेबल हो तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया जाता है। इनफैक्ट आप में से भी कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, लास्ट लास्ट में 2x पे लगाया, सर बोले जा रहे हैं पढ़ते चले जाओ। तो आज था आपके लिए कि आपको समझ में आए, हम जितने भी यहाँ पे सेशंस करेंगे एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको ऐप पे वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको हम इंस्टीट्यूट यानी कि यहाँ से भी बुक्स प्रोवाइड करके देंगे जिसके अंदर रिवीजन का कंटेंट होगा, जैसे आपको 11th में भी प्रोवाइड किया था, प्लस उसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी होंगे। इसके अलावा आपने अकाउंट्स के अंदर कौन सी बुक रेफर करनी है, टीएस ग्रेवाल। मेनली दो ऑथर्स चलते हैं, या तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक्स चलती है या फिर डीके गोयल सर की। दोनों ही बुक्स करनी हो बहुत बढ़िया, बट टीएस ग्रेवाल करते करते ही आपका पूरा काफ़ी अच्छा खासा सफिशेंट टाइम निकल जाएगा। इस कंटेंट को एज पर लास्ट बैच बुक्स के अंदर तीन बुक्स में डिवाइड किया गया। कितनी बुक्स हैं आपकी अकाउंट्स की, तीन। यानी कि पिछले साल आपकी एक अकाउंट्स की बुक करते करते आपको पूरा साल निकल गया था, यहाँ पे कितनी करनी है, तीन अकाउंट्स की बुक करनी है। और अपने आप में बहुत हैवी है ये, मतलब एक एक बुक अपनी खुद की अकाउंटिंग रखता है और ये पूरा आपका सिलेबस बनाएगा। पहली बुक करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा कंटेंट है। जैसे आप सभी जब क्लास 11th में आए थे तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, बेसिक्स। स्टार्टिंग में अकाउंटिंग डेफिनेशन चल रहा है, लिमिटेशन चल रही है, उसके अलावा डेफिनेशन चल रही होती है छोटे छोटे टर्म्स की, अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा होता है, फिर डेबिट क्रेडिट जर्नल पे आते हैं। लास्ट में जाके अच्छे अच्छे चैप्टर आए थे। अब यहाँ पे ये समझिए कि डे वन से ही आपके फाइनल अकाउंट जैसे चैप्टर चालू हैं, डे वन से। तो आज भी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा वो फाइनल अकाउंट्स को टक्कर देने वाला चैप्टर होगा जो आपकी क्लास 11th का होगा। तो टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक होंगी वो तीन पार्ट्स में आपको अवेलेबल होंगी, मार्केट से जो परचेज करनी है। हार्डकोर तरीके से इनको कवर किया जाएगा, आपके टेस्ट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे यहाँ पे। जैसे लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को टेस्ट बोलते हैं तो छुट्टी बच जाती थी, या घर से मैसेज आ जाता था कि ये है वो है, कोई बच्चे चीटिंग करने लग जाते थे, कभी कुछ है कभी कुछ है। नहीं नहीं कमेंट नहीं, बीच में नहीं। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे और टुवर्ड्स दी एंड रिविजन्स के साथ साथ आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। तो ये सारा पढ़ने का आपका फॉर्मेट रहेगा। सबसे मेजर आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, जैसे मान लीजिए कभी कोई मिस हो गया, ईयर के दौरान आपको कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी होता है, तो वो सारा एक्सेस आपका लिंक क्रिएट करके प्रोवाइड किया जाएगा। क्या यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि इस तरीके से स्टडी करना है। तो बच्चों आज जो हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, सबसे बेसिक चैप्टर मतलब बुक वन का आपका चैप्टर नंबर वन है ये, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हेडिंग डालिए, रजिस्टर ओपन करो बच्चों और हेडिंग डालो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बोलिए, अभी सब पता लग जाएगा आपको, ड्यूरेशन वगैरह सब सब पता लग जाएगा आपको। जिस हिसाब से हलकते होंगे उस हिसाब से ड्यूरेशन होगी।
हाँ जी टीएस ग्रेवाल, हाँ इनका आप बताएंगे ना कि टीएस ग्रेवाल सर की बुक चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको तीन का बंच ही पकड़ाएंगे, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर से एक आधा एडिशन आगे पीछे हो रहा होता है। मैं एक और बात, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, क्लियर कर दूँ, अभी कई स्कूल्स में या कई जगहों पर ये चीज़ें डिस्कशन में चल रही हैं कि इस बार ही आपके बैच के अंदर बोर्ड्स दो बार ही होंगे। हाँ हाँ अभी ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट अगर कोई भी इसका प्रपोज चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली हम भी आपको सिलेबस उसी पैटर्न के हिसाब से करवाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐड हो रहा है, कोई भी टॉपिक डिलीट हो रहा है, तो जो भी लेटेस्ट बोर्ड्स के हिसाब से होगा, जैसे लास्ट ईयर टॉपिक्स ऐड हुए थे ट्वेल्थ क्लास के अंदर, तो वो भी टॉपिक्स करवाए गए थे। अगर आपका बोर्ड दो बारी में होगा तो हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे आपको, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैटर्न सीबीएसई बोलेगा उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। घुमा फिरा के सिलेबस वही है आपका, उसको हो सकता है दो दो पार्ट्स में करवाएं, हो सकता है एक ही बारी में करवा दें, बट स्टार्ट यहीं से होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। तो बच्चों इसके बारे में पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें लिखते हैं, फिर इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए लिखना शुरू करिएगा। आपका नाम, आपका नाम तुषार मेडी, हेडिंग डाल लीजिएगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इतनी जगह छोड़ दीजिएगा। हेडिंग डाल के ना इतनी जगह छोड़ दीजिएगा अपने हिसाब से, 5 to 6 लाइंस, ठीक है, और यहाँ से लिख लेंगे।
आइए अब जहाँ पे भी हो तो आप भी रुक जाइएगा। अब इसको समझने पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपका 11th पे ही थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि 11th में आप क्या पढ़ के आए होंगे। बच्चों मुझे ये बात बताओ, ये कौन होता था? मनवीर। और ये क्या था मनवीर का? चलो कुछ तो याद है। तो मुझे ये बात बताइए, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते थे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनती थी, मनवीर की या जिम की? जिम। यानी कि बिजनेस जो होता है इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, ठीक है ना। और मुझे बताइए आप सबका फेवरेट चैप्टर कौन सा होता था? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर होता था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक विदाउट एडजस्टमेंट एक विद एडजस्टमेंट। वो तो आपकी क्लास 11th के हिसाब से था। अगर मैं उसके अंदर देखूं तो तीन फॉर्मेट बनाने पड़ते थे। क्या क्या थे वो? ट्रेडिंग, पीएनएल और फिर आता था बैलेंस शीट। इस तरीके से बनाया जाता था। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, जो यहाँ पे ये जो फाइनल अकाउंट जिसे हम बोलते थे, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाता था, और जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था इसका क्या करते थे हम? बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते थे, और अगर नेट लॉस होता था तो माइनस कर देते। इतना तो हमें याद है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है। मुझे ये बात बताओ, इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट्स के अलावा एक और नाम से भी बुला सकते थे। इसको क्या बुला सकते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। इसको क्या बुला सकते थे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। क्योंकि आपको क्लास 11th में यह समझा जाता है कि आप थोड़े छोटे हैं, आपको एक प्रोपराइटरशिप फॉर्म का ही अकाउंटिंग समझ में आ जाए उतना ही काफी समझा जाता है। पहले आपको क्या सिखाया जाता है? जर्नल। जर्नल के लिए रूल्स, डेबिट क्रेडिट ये सब। जर्नल के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसका? प्रोपराइटरशिप, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। आप सबने BST की अगर मैं बात करूं वहां पे भी पढ़ा होगा, बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, प्रोपराइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कॉरपोरेट्स, कंपनीज। कंपनीज में भी अलग अलग होती हैं, अनलिस्टेड, लिस्टेड। इतना बेसिक बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा होगा, तो आपको अकाउंटिंग ही सिखाई जाएगी कहाँ पे? 12th के अंदर भी, बट आपको लेवल बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मनवीर थे बच्चों प्रोपराइटर ओनर, और ये था उनका बिजनेस, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही थी। अभी भी यही रहेगा, बस अब प्रोपराइटरशिप की जगह यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगी। मतलब पार्टनर, ओनर, ओनर तो यही रहेंगे, ओनर की जगह यहाँ पे पार्टनर आ जाएंगे, और अकेला बंदा तो पार्टनर हो नहीं सकता। अब मनवीर के साथ साथ एक और बंदा आ जाएगा जो जिम चलाएगा, कौन है ये? सुहान। डबल है देख रहे, सुहान, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस कोई भी हो सकता है, इसे बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। पहले यहां तक समझ में आया? तो पार्टनर्स अलग हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म अलग हो गई। पहले यहां तक पहुंच रहे? अच्छा, इसको एक और एंगल से पूछता हूं बच्चों। क्लास 11th और 12th, 11th के अंदर मनवीर सोल प्रोवाइडर अलग, बिजनेस अलग, क्या दोनों अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता था? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल बोलता था ये। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं नहीं, हाँ जी सिद्धार्थ, बीच में नहीं, अगर ऐसे स्टार्टिंग से चला बाहर चले जाएगा सीधा अपने आप, 12th के अंदर नहीं चलेगा ये। अब ध्यान से सुनिए, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से नहीं होता था, वो एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से होता था, जहां पे आप प्रोपराइटर या ओनर को अलग गिनते थे, उसके बिजनेस को अलग गिनते थे, और फिर जाके आपको सिखाया जाता था कि जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग चलती थी। ये बात समझ में आती है? उसी तरीके से पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। कौन सा प्रिंसिपल? अगेन सेम प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, कि भैया पार्टनर्स अलग,
पार्टनरशिप फॉर्म अलग, और आपको किसको अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, फॉर्म की अकाउंटिंग। क्या यहाँ तक जा रहे हैं दिमाग में? पार्टनर्स की अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए, क्लास 11th के अंदर अगर प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता था तो इसको क्या बोलते थे? कैपिटल बोलते थे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना? उसी तरीके से अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, अभी भी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेम रीजन, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो बुक वन जो आपकी होगी, इसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग ही चल रही होगी, कि जितनी भी इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं वो अपने किताबें कैसे मेंटेन करती है, ये चीज़ सिखाया जाएगा। और पहला चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ पे कई सारे फीचर्स वगैरह का ही है, थोड़ा थ्योरी मैंने आपको लिखवाया है, थ्योरी व्योरी पे आ जाएंगे, बट पहले वापस इस पे आते हैं। अब बच्चों, ये जब पार्टनर्स है ना, आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें एक फॉर्म रन करनी है, ये आपस में ना एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप सबने ऐसा पढ़ा होगा BST में, एक एग्रीमेंट बनवाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि भाई कौन सा पार्टनर क्या करेगा, क्या PSR होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन कितना कैपिटल लेकर आएगा, किसको क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। एग्रीड? इस बात से एग्री करते हैं? और ये डीड के बेसिस पे ही फॉर्म बनाई जाती है और फॉर्म की काम शुरू किया जाता है। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, हो सकता है ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है, ओरल एग्रीमेंट भी माना जाता है। मैंने ये फीचर्स में भी लिखवाया हुआ है। टू और मोर पर्संस, अगर फर्स्ट फीचर की बात करें, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो फिर प्रूफ करना पड़ जा, लॉ के अंदर प्रूफ करना पड़ सकता है कि ओरल कहाँ पे था, रिकॉर्डिंग, किसी की फोन रिकॉर्डिंग मिल जाए वैसा टाइप का, बट वो लॉ का एस्पेक्ट है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ओरल हो सकता है, ठीक है ना? तो वो डीड की जब बात कर रहे हैं बच्चों, ये डीड बनती है एंड उसके अंदर सारा कुछ लिखा जाता है, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, कितना पैसा लेकर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आता है? दोबारा से। अब बच्चों, बिजनेस वही है, जिम वही चल रहा है, बिजनेस वही है। पहले क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। ट्रेडिंग से क्या बनता था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था, ये कहां चले जाता था? बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड हो जाता था। मुझे बताओ, पहले मतलब क्लास 11th में ये सीधा नेट प्रॉफिट किसकी जेब में जाता था? बहुत सारे लोगों की जेब में जाता था या एक बंदे की जेब में जाता था? एक बंदे की जेब में, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कैपिटल में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अब क्या ये सारा नेट प्रॉफिट एक ही बंदे की जेब में जा रहा है या अलग अलग पार्टनर्स की जेब में बांटना पड़ेगा? अलग अलग। ये कुछ बात इस तरीके से हो गई कि अगर आप पिज्ज़ा मंगवाते हो और अकेले आप ही खाने वाले हो तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं। बट अगर पिज्ज़ा आ जाए और चार लोग मिलकर मंगवा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है, नहीं है? तो अब क्या है, तीन लोग मिलके बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को आपस में बांटना पड़ेगा, इस नेट प्रॉफिट को आपस में बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, मतलब ट्रेडिंग, PNL। इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनता है, उस स्टेटमेंट का नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले क्या था, मान लो मैंने अकेले ने पिज्ज़ा मंगवाया तो मैं अकेला ही पिज्ज़ा खाऊंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बट अगर तीन दोस्त मिलके पिज्ज़ा मंगवा रहे, तीनों बिल भर रहे हैं और पिज़्ज़ा एक ही बंदा खा जाए, लड़ाई होगी? बिल्कुल। तो PNL अप्रोप्रिएशन एक नया स्टेटमेंट बन रहा है, जहां पे ये नेट प्रॉफिट पहले आएगा, PNL से ये नेट प्रॉफिट आएगा, पार्टनर्स में बटेगा। कैसे पता लगेगा किस पार्टनर में कितना बटना है? वो कहां लिखा होगा बच्चों? डीड में लिखा होगा, कुछ ना कुछ डीड में लिखा होगा कि किस पार्टनर के हिस्से कितना जाएगा। पिज्जा ऑर्डर करने से पहले ही बता देंगे कि भाई तू इतना खाएगा, तू इतना खाएगा, तू इतना खाएगा और इतना इतना बिल भरेगा एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं यहां तक?
तो इसे बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कि नाम से समझे ना, जो प्रॉफिट हुआ है उसे अप्रोप्रिएशन डिवाइड कैसे करना है, इस चीज का डिस्कशन हो रहा है। तो ये इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अगेन जब आप चैप्टर बुक्स अभी आपके पास होंगी नहीं, मेजोरिटी बच्चों के पास जब आपके पास बुक्स आएंगी तो आप देखेंगे ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ना थ्योरी थ्योरी बहुत लिखा हुआ है। ये थ्योरी मैं सारी कवर करवा दूंगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आना जरूरी है। तो मैं आपको सीधा एक फॉर्मेट पर लेकर आ रहा हूँ। इस फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये कब बनता है बच्चों, ट्रेडिंग से पहले या ट्रेडिंग के बाद? ट्रेडिंग के बाद। पीएनएल से पहले या पीएनएल के बाद? पीएनएल के बाद। तो अगर फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है उसके बाद ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। आपने कुछ नहीं लिखना, बस सुनते चले जाइएगा। इसके अंदर ना अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फंडामेंटल्स का मतलब ही क्या हो गया बच्चों, बेसिक्स। इसके अंदर जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों, सबसे पहले यहां पे क्या आ गया बताओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। ये कहां से आ गया नेट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट से। हाँ, नेट लॉस पे भी लेकर आऊंगा, उसके ना स्पेशल केसेस बनवाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, मैं रेड से लिख देता हूं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट के अंदर नेट लॉस। बट अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं कि नेट लॉस में होगा क्या। देखिए दो चीजें हैं, बिल्कुल फर्म को नुकसान भी हो सकता है। अगर फायदा हुआ है तो फायदा भी आप सब पार्टनर्स का, नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी आप पार्टनर्स का, उस नुकसान को कैसे झेलना है भी सिखाऊंगा। रेड वाला हिस्सा भी इग्नोर कर दें। अब प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे क्या क्या आना शुरू होगा बच्चों, सबसे पहले आएगा यहाँ पे टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ याद आ रहा है? पूछता हूं, टू ट्रांसफर टू रिजर्व बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आराम आराम से देखते हैं। अब बच्चों एक एक करके टर्मिनोलॉजीज पिकअप करते हैं। सैलरी, सैलरी फॉर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब हम सैलरी बहुत सारे लोगों को पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चों जिम है, बिजनेस है, बिजनेस ने यहाँ पे कोई मैनेजर रखा हुआ है, कोई एम्प्लॉई रखा हुआ है, तो आप बचपन का मतलब 11वीं क्लास में सैलरी को कहाँ लेके जाते थे? पीएनएल अकाउंट। तो अगर किसी को भी आप सैलरी दे रहे हो वो अभी भी कहाँ जा रही होगी बच्चों? पीएनएल में जा रही होगी। बट मैंने यहाँ पे सैलरी कहाँ लिख दी है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, सर आपने साथ में क्या लिखा है, पार्टनर्स या सैलरी? फर्क समझिए, ओनर को सैलरी मिलनी है। ओनर को सैलरी तभी मिलेगी ना जब प्रॉफिट बचेगा। बिल्कुल, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट आएंगे। बट ओनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी बाद में आ रही है। अगर मैनेजर की सैलरी होती तो वो कहां आती? पीएनएल में। ये ऑलरेडी सीख चुके हैं आप। अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, वेजेस होता, वेजेस कहाँ आता? ट्रेडिंग में। सैलरीज होती तो पीएनएल में। अभी भी वही है, बस मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ओनर यानी कि पार्टनर की सैलरी है तो ये कहाँ आ जाएगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो पहली आइटम समझ में आती है। दूसरी आइटम कमीशन। बच्चों मुझे ये बात बताओ, आपके क्लास 11th के अंदर एक कमीशन का भी एडजस्टमेंट होता था ना, मैनेजर का कमीशन, बिफोर आफ्टर बच्चा उसी में तंग रहता था। बताओ मैनेजर कमीशन कहाँ डालते थे? पीएनएल के अंदर। अभी भी कहाँ डालेगा? बट मैंने तो यहाँ पे कमीशन लिख दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। किसका कमीशन है ये? जो ओनर को मिल रहा है, तो ओनर को मिल रहा है, इसी वजह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जा रहा है। हाँ जी दोनों पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्या समझ में आई बात? इसके अंदर कोई डाउट? बोलिए क्या डाउट है।
समझ में आ गया। चलो तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आइए इसको रिकॉल करते हैं। ये बिजनेस, ये पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दे रखा है, इसको क्या बोलते थे बच्चों? और इस कैपिटल के बदले में जो इंटरेस्ट जाएगा उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट से कोई बच्चा मुझे जर्नल बताए, सेकंड रो में से क्या होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल? टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब बिजनेस के लिए आईओसी क्या था? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। और पार्टनर के कैपिटल में ऐड हो जाता था, यही होता था ना ट्रीटमेंट? या और इलैबोरेट करूं इसको, समझ में आ रहा है आप दोनों को, बाकी बच्चों को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए तो क्या था, बिजनेस के लिए क्या था? खर्चा। तो ये पीएनएल में आप डेबिट करके दिखाते थे, यही था बस। अब उसको क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां पे दिखा रहे हैं, है खर्चा ही। और जब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट करवाऊंगा तो उसके अंदर दिखाऊंगा कि कैपिटल में भी जा रहा होता है। दोबारा से जो आपने क्लास 11th में सीखा, कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट्स को मैं 12th के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलने के लिए मैं सीधा ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ये है, ये याद कर लो, बट 11th से जो 12th में ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे एक लिंकेज है, वो लिंकेज समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर कोई डाउट्स? ये चौथे पार्ट को अभी 2 मिनट रोकिए। पांचवा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आइए इसको भी समझाते हैं। अब कोई पार्टनर है, इसने बिजनेस में से पैसा निकाला, इसको क्या बोलते थे बच्चों? ड्रॉइंग्स। और इसके बदले में कौन इंटरेस्ट पे करता था? पार्टनर पे करेगा या ओनर पे करेगा? किसको? बिजनेस को, आईओडी। लास्ट में आप ट्राई कर सकते हैं जर्नल, कैपिटल टू आईओडी या फिर ड्रॉइंग्स टू आईओडी भी बोल सकते हैं। मुझे ये बात बताइए, आईओडी फॉर्म के लिए कैसे होता है? जस्ट लाइक अ इनकम, और कैपिटल में से माइनस हो जाता था जाके, दो एडजस्टमेंट के यही होते थे ना पॉइंट्स। तो अभी भी वही देखिए, इट इज जस्ट लाइक अ इनकम, इसी वजह से क्रेडिट साइड पे आ रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। तो घुमा फिरा के बच्चों बातें वही आ रही हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, बस ओनर की जो बातें हैं वो कहाँ आ रही है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? जो पिज्जा है आपके पास उसको कैसे बांटना है। तो कितनी आइटम है? 5। प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगेन ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसके अंदर से 5 आइटम हो गई। बताइए डेबिट साइड पे कितनी आइटम? 4, और क्रेडिट साइड पे 1। क्या क्या आइटम? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का आईओसी, उसके अलावा रिजर्व्स का भी एक पॉइंट है, हो सकता है आज रोकू मैं, और 5वां पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, हाँ। अब आप मुझे ये बात बताइए, जब आपको पहले तो क्या होता था कि एक ही ओनर होता था, तो वो जो बचा हुआ होता था, जैसे 100 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट आया, उसके 10 रुपये माइनस किए, 90 रुपये चले गए बैलेंस शीट। अब पहले पता तो होना चाहिए कि कितना आपका प्रॉफिट है। ये रिजर्व्स का ना इस चैप्टर के अंदर पूरा एडजस्टमेंट आएगा, थोड़ा सा अभी के लिए मैं रोक रहा हूँ, तब मैं डिस्कस करने की पोजिशन में आऊँगा। बिल्कुल आ सकता है पीएनएल में, अगर एक ही ओनर होता तो पीएनएल में ही आता, क्योंकि आप मल्टीपल ओनर्स हैं तो पहले उनका सबका हिस्सा कटेगा फिर ही रिजर्व के लिए बचेगा, ठीक है ना? ये रिजर्व का ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर में पिकअप करता हूँ। बोलिए, एक्सपेंस, इनका एक्सपेंस ही रहेगा? नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का हम प्लस किया और इन सबको हमने माइनस किया, तो जो खर्चा बचा हमारा, जो सॉरी प्रॉफिट बचा, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर के रेशो में। क्या ये समझ में आई बात? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट बचा है उसको कैसे डिवाइड करना है। क्लियर होती है ये बात? समझ में आता है ये? कोई डाउट्स इसके अंदर? तो कुल मिला के बच्चों इस तरीके से आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना है। अभी इसके अंदर ना कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मत सोचिएगा कि यहीं पे ख़त्म है, अभी मैंने कई सारी चीज़ें इसके अंदर से रोकी हैं। धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा मैं उसको बिल्डअप करना शुरू करूँगा।
फिलहाल के लिए ये वाला फॉर्मेट और ये समझ में आता है, कोई डाउट इसके अंदर? आइए मैं इसको आपकी बुक में से भी दिखाता हूँ। ठीक है, रीडेबल है, ये देखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे ना आपको, क्योंकि एमसीक्यूज काफी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये याद होना चाहिए, जहाँ पे सेक्शन नंबर 4 है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, हो सकता है बीएसटी में पढ़ा हो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके आपको जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं मैंने यहीं से ले रखे हैं। पहला फीचर क्या है बच्चों? दो, कम से कम दो लोग होने चाहिए या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है बच्चों? एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में। जैसे बच्चे ने बोला क्या, ये थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा है, अरे यार एक मिनट रुकिए बच्चों। ये ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, थ्योरी एकदम सेम है, बट मेरे को आपको क्या सिखाना है, उसका अकाउंटिंग, ठीक है ना? तो तभी मैंने, फिर बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इस फीचर को मैंने आते कैसे लिखवाया है, म्यूचुअल एजेंसी। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है फर्स्ट रो में से, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता था? अच्छा, अभी तक आप सबको समझ में आया जो जो मैंने कहानी बोली? हाँ बोलो, चलो। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ बच्चों। सीए के अंदर ना एक बिग फोर होती है। बिग फोर का मतलब समझते हैं कि चार सबसे बड़ी फॉर्म्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक पीडब्ल्यूसी है, अकाउंटिंग फॉर्म कह लीजिए, ऑडिट फॉर्म कह लीजिए। तो काफ़ी टाइम पहले ना एक सत्यम स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम, तो उसके अंदर पीडब्ल्यूसी उनका ऑडिटर था। जब ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि सीए जाके साइन कर देता है कि हाँ भाई सब सही है। मान लीजिए हम सब ने मिलके एक फॉर्म बना रखी है, पार्टनरशिप फॉर्म सीए की, तो पीडब्ल्यूसी का एक फॉर्म था, एक बंदा था, उसने जाके साइन कर दिया और वो बाद में फ्रॉड निकला, तो क्या वो अकेला बंदा उसके लिए लाइबल था या पूरी फॉर्म पे उसकी लाइबिलिटी आई? पूरी फॉर्म पे। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर सबके लिए एक्ट कर सकता है, सभी एक पार्टनर के लिए या बिजनेस के लिए एक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ये बात? बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी कैरी ऑन कर सकते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक बंदे का एक्शन पूरी फॉर्म पे भारी पड़ा। समझ पा रहे हैं चीज? राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, अगेन ये मैं आपकी बुक में से दिखाता हूँ कि बहुत सारे राइट्स होते हैं बच्चों, थियोरिटिकल, अगेन इस पर बात करते हैं। अब डीड क्या होती है? एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटर्न इन इज बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। क्या बच्चों रियल लाइफ में ये पॉसिबल है कि हमेशा डीड हो, या कभी कभार डीड एब्सेंट भी हो सकती है? दोबारा से, भाई हम सभी पार्टनरशिप के अंदर काम करने जा रहे हैं, अगर तो समझदारी होगी तो हमने डीड बना रखी होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है बिना डीड के काम शुरू कर दिया हो? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली होता है। और उस केस के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो यहाँ पे कानून लिखा हुआ है, ये एप्लीकेबल होता है। ये क्या है आज नहीं सिखाऊंगा, पहले दिन के लिए ओवरलोड हो जाएगा, आज नहीं सिखाऊंगा ये क्या लिखा हुआ है। बट बिना डीड के अगर काम हो रहा है तो क्या होगा वो सिखाऊंगा। दोबारा से, जब पार्टनरशिप कर रहे हैं बच्चों तो डीड होती है, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। अगर डीड है तो जो डीड में लिखा गया वही होगा, बट अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? जो कानून में लिखा गया है वो ये लिखा है। ये क्या है? नेक्स्ट क्लास के लिए है। यहाँ तक पहुँच रहे हम सब? यहाँ तक पहुँच रहे? अच्छा, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, चार्ज, अप्रोप्रिएशन।
उस पर आने से पहले ये देखिए फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। दोबारा से ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब बनता है बच्चों, ट्रेडिंग पीएनएल के बाद या ट्रेडिंग पीएनएल से पहले? बाद। इसका पर्पस क्या है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है उसको आपस में अप्रोप्रिएट डिवाइड कैसे करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट आया पीएनएल अकाउंट से, पहली आइटम आईओसी, दूसरी आइटम पार्टनर सैलरी। अच्छा, रेम्यूनरेशन और सैलरी में कुछ फर्क है क्या? नहीं, उसका सिनोनिम है, बुलाने का एक और तरीका है। तीसरा क्या हो गया बच्चों, पार्टनर का कमीशन। अच्छा, अगर मैनेजर कमीशन है तो कहाँ जाएगी? पीएनएल में, वो पीएनएल में जाएगी। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉई का सैलरी है तो पीएनएल में। चौथा आ गया रिजर्व्स के अंदर कुछ ट्रांसफर करना है। पांचवा आ गया यहाँ पे आईओडी। तो आपको कुल मिला के पांच आइटम ध्यान रखनी है हमेशा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। कौन कौन सी बच्चों? आईओसी, सैलरी पार्टनर की, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर, आईओडी जो लेना है। इसके बाद कुछ बचता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक पहुँच रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है फर्म को प्रॉफिट होने की बजाय फर्म को लॉस हो जाए? बिल्कुल, बच्चे ने सही पॉइंट रेज किया था कि सर नेट लॉस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उस केस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या बच जाएगा? लॉस आ जाएगा। और ये लॉस के केस के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, इसके अंदर बातें करेंगे। रेड वाला हिस्सा अभी के लिए पेंडिंग में जा रहा है। क्या यहाँ तक कोई डाउट्स? पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ में आया हमें? कोई इसके अंदर सारी बातें समझ में आती हैं? फटाफट से आप हेडिंग डालें, यहाँ तक लिखा हुआ था ना, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, फिर लिखिए फॉर्मेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये फॉर्मेट बनाइए। ज़रूरी नहीं है ऐसा, अगर मैंशनड है तो उसी में, वरना क्या होगा मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में। ऐसा हो सकता है कि डीड में कुछ और मैंशनड हो, कुछ ना मैंशनड हो तो सेम ही रहेगा प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग। चलिए आइए बच्चों एक बार ही रिकॉल कर लें, आज ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सिंपली हमने यही अंडरस्टैंडिंग ली है कि आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग में लेके जा रहे हैं, आज कुछ भी हैवी नहीं हुआ है। सिंपली मैंने ये बात किया कि भैया अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक के अंदर से थ्योरी मार्क नहीं करवाई मैंने, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करेगा,
इसका आपका फीचर्स क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटर्न, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, पता लगे आप स्मगलिंग वगैरह का काम शुरू कर दें उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट नहीं अप्लाई होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइंड होना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा वो बताऊंगा, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बिग फोर का एग्जांपल बताया था पीडब्ल्यूसी का केस जहां पे म्यूचुअल एजेंसी की वजह से उनको इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या क्या राइट्स होते हैं धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, 6% क्या लिखा हुआ है, डीड क्या लिखा हुआ है बच्चों, एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटर्न इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, हमेशा डीड रिटर्न में करें तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर डीड एब्सेंट हो तो क्या होगा ये बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आज नहीं टच किया इसको। इसके बाद बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे टॉपिक्स करने से पहले मैं सीधा आपको पहले लेकर आया हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बच्चों आपका एक फॉर्मेट बनवाना है, पीएनएल के बाद उस प्रॉफिट का करना क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस चीज़ का टोटल डिस्कशन है। होपफुली आज ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में आके मैं इसका कैपिटल अकाउंट करवाऊंगा और इसकी फिर ये जो जर्नल एंट्रीज बन रही है ना इस पे लेकर आऊंगा, फिर आपका एक चैप्टर सेट होना शुरू होगा, फंडामेंटल सेट होगा, फिर आपका धीरे धीरे क्वेश्चंस पे लेकर आएंगे। अभी आपका क्वेश्चंस थोड़े से एक दो लेक्चर लग जाएंगे फिर स्टार्ट होंगे। क्या आज का सेशन क्लियर है आप सबको? yes.